हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होपफुली आज की वीडियो जो है, क्योंकि मेरे पास स्पेस मिल नहीं पा रहा था तो मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड किया है। और टॉपिक है हमारा वैल्यू एडिट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थोड़ा सा वॉइस में भी चेंजेस होगा, सराउंड होगा, क्योंकि अकेले कमरे में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी फिलहाल। फिर मैं ये वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा। तो वैल्यू एडिट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले वैल्यू एडिट, हालांकि मैंने पहले भी कराया था, मैं दोबारा करा देता हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी सर 10 ईयर से रिलेटेड भी बता दो। तो वैल्यू एडिट का मतलब हम बात करें तो इसके अंदर दो टॉपिक है, मैं दो टॉपिक में बांटूंगा। किताब में क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है, उसके हिसाब से नहीं, मैं आपके हिसाब से चल रहा हूं सर, जो सिंपल लगे आपको। एक सिंपल है और इकोनॉमिक वैल्यू एडिट है। वैल्यू एडिट है, ठीक है। मैं सिंपल वाले को अगर बात करूं तो दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं इसको सर। सर दो पार्ट कौन सा है? नंबर वन पार्ट करते हैं हम नॉर्मली, कि हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिट क्या है। और मैं इसको एकदम साधारण शब्दों में आपको समझाऊं ना, समझाने के पर्पज से, ये जीपी जो निकालते थे ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, तो वो है ये ग्रॉस वैल्यू एडिट। दूसरा, इसको हम यूज कैसे करेंगे, यूज, इसको हम एप्लीकेशन बोल देते हैं, एप्लीकेशन बोल देते हैं हम, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन में जो हमारा पीएनएल के अंदर आइटम आते थे ना, वो वहां वहां खर्च होगा, उसको बताएंगे, इसको दो पार्ट में बांटेंगे। अब ग्रॉस वैल्यू एडिट में से अगर हम माइनस कर देते हैं सर, क्या डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर देते हैं हम, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आ जाता है हमारा नेट वैल्यू एडिट, दैट इज नेट वैल्यू एडिट आफ्टर डिडक्ट डेप्रिसिएशन, ठीक है। मैं इकोनॉमिक वैल्यू एडिट का अभी बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा, जैसे मैं टॉपिक करूंगा तो इसको मैं अलग से करा दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, हमारा वैल्यू एडिट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो दो पार्ट में हमने बांट दिया, एक इकोनॉमिक वैल्यू एडिट, एक सिंपल वाला कर रहे हैं। इसके अंदर एक हम करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिट, और नेट वैल्यू एडिट भी पूछा जा सकता है, और इसका रिकॉन्सिलेशन भी पूछा जा सकता है। जो मैंने 10 ईयर में करवाया हुआ है उसी को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा, यूज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, मतलब आपने प्रॉफिट कमाए 10,000, उस 10,000 को कहाँ कहाँ खर्च किए आपने, वो तो मैं जब फॉर्मेट बना देता हूँ, पहले फॉर्मेट बनाने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं फिलहाल के लिए ना, फिलहाल के लिए मैं कहाँ फॉर्मेट बनाऊँ आपके लिए, मैं चाह रहा हूँ कि यही फॉर्मेट बना देता हूँ, बट जगह कम पड़ जाएगी। पहले आप एक बार ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, इस स्ट्रक्चर को नोट करने के बाद मैं फॉर्मेट बना दूंगा। फटाफट से नोट कर लीजिए, पहले ये नोटिंग जरूर करिएगा, अगर नोटिंग नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है ना। नोटिंग जरूर कर लें आप, एक बार नोट करिए, फिर मैं इरेज कर दूंगा। डन सर। अब जिन बच्चों ने नोट नहीं किया हो इतनी जल्दी, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं सर। बड़ा सिंपल सा साधारण सा फॉर्मेट है, ऊपर डेट जैसे लिखते हैं हम, वैल्यू एडिट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही रहने देते हैं, और नीचे लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी लिखा जाता था, जो ट्रेडिंग में लिखते थे, फॉर द ईयर एंडिंग, एंड डेट डालना, ठीक है। ये हो गया ऊपर का टाइटल। अब आ जाते हैं यहां पे, बेसिकली मैं इसको दो पार्ट में करवा दूंगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, बाकी मैं क्वेश्चंस करूंगा एक जिसमें एक पार्ट में ही लेके चलेंगे, ठीक है। ये हमारा पर्टिकुलर, और मेरी कोशिश रहती है कि आपको बिल्कुल आसान से आसान समझाया जाए, वेदर वो कॉन्सेप्ट कनेक्टेड हो या ना हो, मैं इजीएस्ट वे में आपको समझा दूं, आप सवाल को कर पाओ। मैं साथ के साथ आपके लिए क्या बना लेता हूं इस साइड में सर, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी लग रही है मुझे, साथ के साथ मैं क्या बना देता हूं आपके लिए, एक ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको याद है, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा माइंड में वही चीजें रखेंगे तो समझ में इजीली आ जाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में इधर क्या लिखते हैं सर हम,
इधर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, इधर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, इस बात को भूल जाइए बस। इधर क्या लिखते हैं हम, सेल्स, और सेल्स के बाद जो कोई डायरेक्ट इनकम है यहां आएगा। कौन से इनकम सर? डायरेक्ट इनकम। तो ये आपके पास रेवेन्यू का सोर्स हो गया। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स, जो हमें आउटपुट मतलब के पैसे मिलेंगे। तो मैंने यहां लिखा सेल्स, और इसमें ऐड कर देंगे सर, हम ऐड कर देंगे क्या सर, डायरेक्ट इनकम, इनकम। जैसे कि मान लो मेरा कोचिंग का बिजनेस है, मैं इंस्टीट्यूट है, तो मेरे पास जो बच्चों से फीस आएगा, तो सेल्स तो बोलूंगा नहीं उसे, अदर इनकम, ट्यूशन फीस हो सकता है, एनी काइंड ऑफ अदर इनकम। डायरेक्ट मतलब अदर इनकम कोई भी आता है यहां पे, अदर इनकम जो डायरेक्ट रिलेटेड है हमारे बिजनेस से, वो वाले इनकम जो कि बहुत रेयर मिलेगा आपको, ये करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाता है सर। दैट इज वैल्यू मिल गया आपको, टोटल मैं लिख दूंगा अभी, अभी सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अगर आप यहां तक करेंगे तो एक वैल्यू मिल गया। इसके बाद यहां पे क्या लिखते हैं सर, परचेज, वेजेस एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजों को निकालने के बाद यहां पे क्या निकलता था आपका, जीपी। अब मैं यहां से लेस करना चालू कर दूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और साधारण शब्दों में बोले तो परचेज, साधारण शब्दों में बोले तो परचेज, वो लेस करना चालू कर दूंगा सर। और क्या क्या माइनस होगा, कुछ बातें ध्यान रखेंगे। एक तरीके से परचेज तो हो गया, वेजेस वगैरह जो डायरेक्ट रिलेटेड है इससे, वो यहां पे आएगा जो इस मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपने कॉस्ट शीट कराया तो आपको अच्छे से याद है, कॉस्ट शीट तो अभी करानी होगा क्योंकि सेमेस्टर टू में है, हालांकि ये टॉपिक आगे जाना चाहिए था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने पढ़ा होगा कि जितने भी डायरेक्ट खर्चे आते थे वो सारे यहाँ ऐड ऑन हो जाए, ठीक है ना। मैं जब सवाल करूंगा तो आपको क्लियर करूंगा। साथ के साथ अगर कोई टैक्स है, जैसे लाइक जीएसटी जो हमें रिकवर नहीं हो सकता, या कोई एनी कस्टम ड्यूटी, और सर क्या इंटरेस्ट पेमेंट किया हो अगर आपने, और इंटरेस्ट दो तरीके के हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म नेचर और एक टेम्परेरी। तो इंटरेस्ट कौन से वाले पे सर, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, और सिंपली बोले तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिया जाता है हमारा वर्किंग कैपिटल, इसके ऊपर का इंटरेस्ट, ठीक है। ये भी माइनस करेंगे हम, अगेन हमारे पास एक टोटल जनरेट होगा, जो हम टोटल कर रहे हैं यहां पे, ये हमारा टोटल हो गया, ठीक है। और एक हम इसमें से, इस टोटल में से सब माइनस करेंगे तो अगेन हमारे पास एक वैल्यू जनरेट हुआ। और वैल्यू का मतलब क्या है बेसिकली, भैया मैंने 10 रुपए का सामान 12 रुपए में बेचा, 2 रुपए की वैल्यूएशन जनरेट कर ली मैंने, 2 रुपए मैंने कमाया ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां वैल्यू एडिट बाय मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग एक्टिविटी, बाय ट्रेडिंग लिख दो, अब इसके अंदर हम एड ऑन कर देंगे सर। क्या एड करोगे सर, अब आप इसके अंदर अदर इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। सर जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रिसीव, सर जैसे डिविडेंड रिसीव है ना, इनको जब एड कर दोगे तो जो ये रिजल्ट निकल के आएगा, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडिट, ये आपका ग्रॉस वैल्यू एडिट हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं ग्रॉस वैल्यू कितना सिंपल है, यानी ट्रेडिंग का जो जीपी निकलता है उसमें कुछ पार्ट ऐड कर देंगे, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडिट है। अब ग्रॉस वैल्यू एडिट का नेट बनाने के लिए अभी बताया था, सिर्फ डैप यहां से माइनस कर दोगे तो नेट वैल्यू एडिट आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें दूसरा पार्ट क्या समझना था, एप्लीकेशन, मतलब इसको आप यूज कहां कहां करोगे। तो सर इसको यूज करने के बड़े सारे जगह हैं, जैसे कि मैं इस पैसे से एम्प्लॉई को पेमेंट करूंगा, इस पैसे से डायरेक्टर को पेमेंट करूंगा, इस पैसे से मैं गवर्नमेंट के टैक्सेस को पेमेंट करूंगा। कौन से टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जा रहा है,
इस पैसे से मैं डिविडेंड पेमेंट करूंगा शेयर होल्डर को, इस पैसे से और कोई एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, तो इसका क्या आ गया, यूज। यानी ऑलवेज याद रखना, और कुछ हम प्रॉफिट बचा भी लेंगे दैट इज रिटेन अर्निंग होगा। तो हमेशा आपको इसका टोटल बराबर आपको हिसाब देना पड़ेगा, दैट इज कॉल एप्लीकेशन, कि इस पैसे को आपने कैसे कैसे यूज किया। तो उसको क्या बोला गया हमारा, एप्लीकेशन। तो एक बार पहले आप ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिए, फिर मैं कोशिश करूंगा शायद यहाँ पे अगर आपको विजुअल हो, क्योंकि इस बोर्ड पे मुझे ज्यादा क्लियरिटी पता नहीं चल पाता, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे कर देते। चलिए आप एक बार इसको नोट करिए, फिर मैं अगले टॉपिक पे आऊंगा। इसको मैं इरेज करके और मैं इधर लेके आऊंगा, इस पैसे को कैसे यूज किया जाए और उसके ऊपर फिर हम काम करेंगे। इस पैसे को कैसे यूज किया जाए फिर उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। इसको करिए फटाफट से, एक बार नोट करिए। डन कर लिया नोट आपने, चलिए इसे इरेज कर देते हैं इस वाले पोर्शन को, ठीक है। ये थोड़ा सा चैप्टर ना ऐसा दे दिया इन्होंने, अब मैं क्या बोलूं, वैसे आगे लेवल पे देते हैं, क्योंकि आप जब तक फाइनेंस के अंदर एकदम स्ट्रांग नहीं हो जाते तो आप एनालिसिस मतलब दिक्कत होती है थोड़ी सी। अब इस पैसे को खर्च करने के लिए मैं इस, आप ना इसी के नीचे वो टेबल बनाना, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसी के नीचे टू बी कंटिन्यू लिख रहा हूं, ठीक है, कंटिन्यू इसके नीचे। अब ये पैसा कहां कहां खर्चने हैं वो मैं लिखने जा रहा हूं। अब ये पैसा कहां कहां खर्चने हैं मैं वो बताने जा रहा हूं। सबसे पहले सर ये पैसे जो खर्चने हैं वो मैं एम्प्लॉय को करूंगा, इसको कहते हैं एप्लीकेशन। मैं लिख दूं यहां टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिट, ठीक है, जीएवी भी बोल देते हैं इसको, सॉरी जीवीए ग्रॉस। तो सबसे पहले आप क्या करोगे सर, टू पे या पे टू एम्प्लॉय, क्या क्या दे सकते हैं एम्प्लॉय को, जैसे सैलरी, मैं यहां क्रॉस लगाता जा रहा हूं, और वैसे मुझे ना कम स्पेस पड़ जाएगा, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। सैलरी दोगे जो भी अमाउंट होगा, बोनस दोगे जो भी अमाउंट होगा, एंड एक्सेट्रा जो भी आपको लगता है कि सर ये एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, और भी पी एंड एल। वेजेस जो है वो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड हो गया है ना, वेजेस जो है वो किस में ऐड हो गया सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। पे टू किसको पेमेंट करेंगे सर, ये हेडिंग है, ठीक है, पे टू डायरेक्टर। सर डायरेक्टर कौन होता है, कंपनी लॉ में पढ़ा है अपने के, डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी का मेन सदस्य होते हैं। इसको भी क्या क्या देंगे सर, सैलरी देंगे, और क्या देंगे सर, कमीशन देंगे, एंड एक्सेट्रा ब्रैकेट में लिख दिया। जो भी टोटल आएगा इधर लिखोगे और जो भी टोटल आएगा इधर लिखोगे। इसके बाद पे टू गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट को क्या दोगे सर, गवर्नमेंट को आप टैक्स दोगे, लोकल टैक्स या फिर इनकम टैक्स, तो वो खर्च कर रहे हो ना यहां पे, ये आ गया। इसके बाद पे टू स्पेसिफाइड कर दो, पे टू लेंडर, यानी सर अब ये पेमेंट जो करने जा रहे हो, मकान मालिक का इंटरेस्ट पे लोन, जिससे उधार, सॉरी मकान मालिक कह रहा हूं, जिससे आपने लोन लिया उस पे ब्याज, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी बैंक वालों के पैसे। सर एक यहां भी इंटरेस्ट था, तो ये था वर्किंग कैपिटल वाला, ये कौन से वाला होगा, वो बड़े वाले अमाउंट का, मतलब के अपने यूज करने के लिए है। इसके बाद किसको पे करोगे आप, पे टू शेयर होल्डर,
पे टू शेयर होल्डर, इसके बाद किसको पे करोगे आप? पे टू शेयर होल्डर, सर शेयर होल्डर को क्या दोगे आप? डिविडेंड दोगे, हो सकता है आपका नॉर्मल डिविडेंड है, मैं सिर्फ लिख देता हूं डिविडेंड, और दोनों तरीके के डिविडेंड हो जाएंगे, इंटरिम डिविडेंड हो, चाहे आपका दूसरे जो सेकंड डिविडेंड होता है हमारा, फाइनल डिविडेंड हो, प्रेफरेंशियल डिविडेंड हो, एनी काइंड ऑफ डिविडेंड होगा वो यहां आ जाएगा, और ये सारी चीजें सवाल में आपको गिवन होगा। इसके बाद आप सर जब ये सारे आपके खर्चे हो गए, इसके बाद क्या करोगे आप? प्रोवाइड कर दोगे, प्रोवाइड मेंटेनेंस या फिर प्रोवाइड एक्सटेंशन, सॉरी एक्सटेंशन कह रहा हूं, क्या है, फॉर मेंटेनेंस एंड एक्सपेंशन। इसके बाद क्या करोगे सर? प्रोवाइड करोगे फॉर मेंटेनेंस एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन यानी आप कहीं ना कहीं पैसे जमा करोगे, जैसे जहां जाएंगे लाइक डेप्रिसिएशन में चले जाएंगे पैसे, रिजर्व में चले जाएंगे आपके पैसे, आपके डीआरआर में पैसे चले गए जो निकाले आपने, इसी में से तो निकाल निकाल के डालोगे, और दूसरा सब कुछ के बाद भी पैसे बच गए, दैट इज रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग ठीक है, विजुअल है, ठीक है, दैट इज रिटेन अर्निंग। अब देखो समझो, मैं इसको ना एक एग्जांपल से समझाता हूं और इसको कनेक्ट करना। मान लेते हैं मैं एक अमाउंट लिखता जाऊंगा जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगा। मान लो मेरा सेल्स कितने का था सर? 100 रुपए का था। अदर इनकम कितने का था? 10 रुपए। टोटल कितने हो गए सर? 110 रुपए। परचेज किया मैंने 50 रुपए का, और ड्यूटी मैंने पेड किया मान लेते हैं 10 रुपए का, और ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट है नहीं, तो इसमें से 110 में से 60 माइनस करूंगा, बचे कितने? 50 रुपए। उसके बाद अदर इनकम मेरा था 30 रुपए का, तो टोटल मेरा वैल्यू एडिट कितना हो गया सर? 80 रुपए का। अब इस 80 रुपए में से मैंने क्या करा? सैलरी पेमेंट किया 20 रुपए, कमीशन दिया डायरेक्टर को 30 रुपए, लोकल टैक्स मैंने पेड किया 10 रुपए, इंटरेस्ट ऑन लोन गया मेरा 5 रुपए, डिविडेंड गया मेरा 5 रुपए, डेप्रिसिएशन था मान लेते हैं 30 और 10 40, 40 और 10 60, और डेप्रिसिएशन गया मेरा 5 रुपए का, 5 या 10 मान लेते हैं, 60 10 70, और रिटेन अर्निंग में 10, तो ये भी टोटल कितना हो गया सर? 80 हो गया। तो इसका मतलब जो 80 रुपए आपने कमाए थे उसको इन इन जगहों पे खर्च करके आपके 80 रुपए का पूरा हिसाब मिल गया, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही आपको प्रूव करके दिखाना होता है एग्जाम के अंदर। इसका एक रिकॉन्सिलेशन भी होता है, मैं पहले एक क्वेश्चन कर दूंगा उसके बाद रिकॉन्सिलेशन करूंगा, ठीक है? तो होपफुली आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा। फिर से अगेन देखिए, वैल्यू एडिड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है हमारा सर? जैसे ग्रॉस प्रॉफिट में करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा? सेल्स। सेल्स के अंदर कोई डायरेक्ट इनकम ऐड कर दोगे, उसमें से माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर माइनस करोगे कोई टैक्सेस वगैरह, वो माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा ट्रेडिंग से रिलेटेड वैल्यू एडिट कितना आया, फिर आप एड बैक कर दोगे अदर इनकम, तो आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडिट। एप्लीकेशन क्या होता है? इसको कहां कहां खर्च किया? सबसे पहले एम्प्लॉय, फिर डायरेक्टर, फिर गवर्नमेंट, फिर शेयर होल्डर, लास्ट में आपका लेंडर। लेंडर के बाद फिर आपने कितने पैसे प्रोवाइड करे हैं और यूजेस किए हैं ये। सर नेट वैल्यू एडिट क्या होता है? फटाफट कमेंट, जो बच्चा देख रहा है नेट वैल्यू एडिट कमेंट में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने पहले बता दिया। तो नेट वैल्यू एडिट क्या होता है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? होपफुली आपको इतना पार्ट पहले आप नोट करो, और फिर हम इसके बाद ना आपके 10 ईयर का एक सवाल लेंगे और उसको पूरी तरीके से हम करने वाले हैं वैल्यू एडिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मानते हुए, ठीक है? मैं इसी फॉर्मेट पे करने वाला हूं, तो या फिर मैं न्यू फॉर्मेट ले लूंगा आपके सवाल के लेके, एक बार पहले फटाफट इसको करिए।